हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रही हूँ, गला सही नहीं है पहला, और दूसरा मैं रोड पर चल रही हूँ। एंड आई एम नॉट श्योर विच चैनल आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो, शमाज किचन रियल लाइफ डायरीज, दोनों पर स्वागत है आप सबका। इट्स लुकिंग लाइक ना कि मैं घर में खड़ी हुई हूँ, है ना। वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मुझे बड़ा सुंदर सा ऐसा लग रहा था जैसे घर में खड़े हुए हैं, उस तरीके का फील आ रहा था उसमें। तो यस, एक सेकेंड ना, आई एम नॉट दैट गुड इन व्लॉगिंग ऑन द वे, सो मुझे कभी कोई बहुत ज़्यादा लोग दिख जाते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ, बहुत टाइम इन द सेंस बहुत ज़्यादा महीनों के बाद मैं कर रही हूँ, और अकेले ऐसे रोड पर चल रही थी, सोचा कि चलो ठीक है समय का थोड़ा सा मज़ा उठाया जाए, है ना, लुफ्त लिया जाए। कैसे हो आप सारे लोग ये बताओ मुझे जल्द जल्द से कमेंट सेक्शन में। एंड आई एम सीरियसली नॉट श्योर कि किस चैनल पर ये वीडियो जाएगा, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। आज मैं जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, और लास्ट ईयर इतने ही टाइम में मैंने वीडियो डाला था, मुझे याद है किसी का तो भी कॉमेंट आया था मुझे कि अरे आपकी जर्मन मार्केट लगती है ना, तो आप कभी दिखाओ अपने चैनल पर। तब तो नहीं कर पाई मैं, आज सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करके आपको दिखाऊँ जर्मन मार्केट। यहाँ एक्चुअली हैज वी आर इन यूके, तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट जर्मन मार्केट विच इज़ मोस्ट पॉपुलर, तो वो यहाँ लगती है। तो यस, थोड़ा सा चेंज मिल जाता है, क्रिसमस एवरीवेयर क्रिसमस नाउ, एंड हर जगह चहल पहल, लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग, जस्ट थॉट कि चलो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी, मुझे वॉक करना है, मतलब 15 to 20 minutes, हवा भी चल रही थोड़ी सी, तो आवाज़ आपको आ रही होगी हवा की। और बहुत दिन हो गए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम, मुझे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि आप तो लाइव तो आने ही भूल गए हो, तो थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो जाने के चलते आज मैंने सोचा कि नहीं चलो व्लॉग बनाते हैं, एक रैंडम व्लॉग करते हैं। एंड मैं पहुंच जाती हूँ एक बार, यहाँ पर लाइटिंग ज़्यादा अच्छी आ रही है, यहाँ पर मैं अच्छी लग रही हूँ, तो एक फ़ोटो खींच लिया मैंने। तो मैं पहुँच जाती हूँ एक बार, फिर मैं दोबारा से कनेक्ट होती हूँ। यहाँ भी सारे में कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोबारा से, कुछ कुछ चीज़ें रिनोवेट हो रही है, कुछ कुछ चीज़ें बन रही हैं। ये जो बर्मिंघम सिटी सेंटर है और ये काफ़ी पुराना है, मैंने आई गेस फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर रही हूँ आपको, बहुत टाइम से था लोगों को कि आप कहाँ रहते हो तो लाइक सिटी सेंटर दिखाओ वहाँ का। तो ये है लाइक दिस, मैं अभी पहुँची नहीं हूँ सिटी सेंटर, बट बीच बीच का एरिया है, एंड दिस इज़ द हाई पॉइंट ऑफ द बुल रिंग। ये है बर्मिंघम, सॉरी ये है बर्मिंघम लाइब्रेरी, एंड इट्स टू ह्यूज, इसका जो सबसे ऊपर वाला जो सर्कल है वहाँ से आपको पूरा बर्मिंघम दिखता है, इट्स लाइक वहाँ जाकर के लोग पूरा आपका पूरा बर्मिंघम देख लेते हैं। और ऊपर इसके ऊपर शेक्सपियर का एक लाइब्रेरी बना हुआ है, एंड कभी मौका लगा तो मैं आपको अंदर लेकर के जाऊँगी लाइब्रेरी के, वैसे कैमरा अलाउड नहीं होता वहाँ पर, परमिशन लेनी होती है, एंड इट्स टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल। सो ऐसे एक जो मेन पॉइंट्स जो होते हैं उसमें से एक है ये, और सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर ना बहुत पुरानी पुरानी, बहुत साल पुरानी पुरानी बनी हुई हैं, और अभी सारा इस तरह कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। चलते हैं बिल्डिंग के साइड, क्रिसमस के चलते इज़ लाइक
आई गेस सुबह 8 बजे से और मैक्स 9 बजे से लोग रोड पर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, शॉपिंग 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 शॉपिंग. आई गेस वो सारा सेविंग करते हैं जस्ट फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर एंड दे डू लॉट ऑफ शॉपिंग. सो हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं जर्मन मार्केट में. काफ़ी लंबे में होता है, अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी जगह से. अदरवाइज यहाँ जो जो मैंने लाइब्रेरी बताया था वहाँ भी लगती थी लास्ट टू लास्ट ईयर तक, पर अभी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स होने को आए हैं. कंस्ट्रक्शन के चलते यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया. अदरवाइज यहीं पर मिनी वो झूला होता है ना लंडन आई वाला जो है वो लगता है, आइस स्केटिंग का ऑप्शन था. अभी वो सारा सब कुछ दूसरी जगह मूव कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो अदरवाइज वो सारा सब कुछ यहीं लगता था. Victoria Square. यहाँ भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जितना भी सुंदर है इसका और डबल ट्रिपल सुंदर होने वाला है ये जब भी सारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा. तो यस, इस तरह से पूरा का पूरा क्रिसमस मार्केट है और ये काफी आगे लंबे तक है और मैं अगर पूरा दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे. इस तरह के छोटे 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 से स्टॉल्स बने हुए हैं, मैं पिक्स क्लिक करके इसमें ऐड कर दूंगी. चीज एंड चॉकलेट का बहुत ज़्यादा रहता है करके उस तरीके से आप देखो ये पूरा इस तरीके से ना ये पूरा लाइन बना हुआ है और हर तरफ से मार्केट है. आई गेस अ माइल पूरे में इस तरीके से फैला हुआ है. काफ़ी अच्छा है, सुंदर है. रात के टाइम में और ज़्यादा सुंदर लगता है बिकॉज लाइटिंग होती है वहाँ पर अच्छे से, सारा लाइट्स वगैरह और सारे जितने जो ट्रीज़ हैं उस पर अभी सब पर लाइट हो रखी है जो अभी दिख नहीं रही है. रात में और ज़्यादा सुंदर लगता है बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था, अदरवाइज़ मैं कभी भी इस व्लॉग को नहीं बना पाती तो अगर मैं लाइट के लिए बैठी रहती तो. और ये धूप आ रही है बस. सुंदर लगती ना क्योंकि यहाँ पर इतना गंदा मौसम हो रखा है पिछले 3 से 4 दिन से. और क्या ही कहना, अभी मैं जा रही हूँ पहले कुछ थोड़ा बहुत खाऊंगी एंड बिकॉज लंच का टाइम है एंड उसके बाद मुझे कुछ कुछ सामान लेना है. तो मुझे Oh.
मैंने शॉपिंग कर ली है, कुछ 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 सामान मुझे ख़रीदना था तो वो सारा ले लिया है मैंने। अभी मैंने कुछ खाया नहीं था, मैं सोच रही थी पहले कुछ खा लूँ बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। अब मैं जा रही हूँ जर्मन मार्केट में, मुझे यहाँ के हेलोपिनोज बाइट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं चीज़ की दीवानी हूँ, मुझे चीज़ बहुत पसंद है। तो मैं जा रही हूँ वो खाने के लिए, वो थोड़े से फिलिंग होते हैं तो उससे पेट भर जाता है। और मैं पूरा एक साल वेट करती हूँ उस चीज़ बाइट का, चिली बाइट का। तो जब वो आता है और जब मैं जर्मन मार्केट आती हूँ तो मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए। ये इस तरह कुछ 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 शोज चलते रहते हैं, सारे अपना अपना आर्ट दिखाते रहते हैं, कुछ मज़ा आता है जब बुल रिंग आते हैं तो। और आप क्राउड देखोगे, सो ब्यूटीफुल। जैसे जैसे अंधेरा सा होता रहेगा ये और सुंदर लगने लगेगा। और ये चलो अभी भूख लग रही है मुझे, तो मैं जाती हूँ। और मुझे अभी घर जाना है, तो मुझे स्कूल से रक्षा को भी पिक करना है। दिस इज टू टायरिंग फॉर मी बट यस लेट्स गो। कुछ खाते हैं पहले। सॉस आई लाइक सॉस, सो बस यहाँ थोड़ा सा ट्राई, इनका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है घर के नॉर्मल सॉस से। तो बस वो लिया हुआ है चीज़ें, इनको मैं खाती हूँ जल्दी से जाती हूँ घर पे। एंड यस ठंडा हो रखा है यहाँ पर थोड़ा सा, तो बस मैं पहले खा लेती हूँ घर जाती हूँ, फिर अगर होता है तो मैं बात करती हूँ। दरवाजे से ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। और अगर अच्छा लगे ये ब्लॉग तो आप लाइक कर देना। ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। एंड ट्रस्ट मी, लाइक जब ये मैंने वीडियो शूट किया था और आज के बीच में ऑलमोस्ट 10 से 11 दिन का गैप आ चुका है, इट्स क्वाइट फनी। बट जस्ट बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग एंड एवरीथिंग आई गॉट स्टक एंड मुझे इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आज सबसे पहले मैंने मेरा सिस्टम सेट किया है और ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसकी जो लास्ट की क्लिप थी वो बाय मिस्टेक मुझसे हो गई है मिस, तो मैं यहाँ पर थोड़े से फोटोज ऐड कर रही हूँ। आई होप आपको ये फोटो देख करके अच्छा लगेगा। एंड अगर इस तरीके के थोड़े से भी व्लॉग, मतलब इस तरीके के व्लॉग्स थोड़े भी पसंद आते हैं तो डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं और इस तरीके के व्लॉग्स लेकर के आ पाऊँ वंस इन अ वाइल आप लोगों के लिए। तो यस इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, इट्स ऑल अबाउट दिस व्लॉग। मैरी क्रिसमस, बिलेटेड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एंड यस आई विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, और क्या, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग। तो यस आई विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सब लोग मस्त मस्त इंजॉय करो, पार्टी शार्टी करो, नया साल है तो अब मिलते हैं अगले साल। बाय।